नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान जानबूझकर देरी कर रहा है। पाकिस्तान विंग कमांडर को सौंपने को लेकर दो बार वक्त बदल चुका है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विंग कमांडर अभिनंदन को अमृतसर से हवाई जहाज से दिल्ली लाया जाएगा। बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे पाकिस्तान के F-16 विमान को अभिनंदन ने ही मार गिराया था, जिसके बाद करीब 56 घंटे तक अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में रहे। पाकिस्तान ने अभिनंदन की पिस्टल लौटा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तमिलनाडु में कहा कि देश को गर्व है कि विंग कमांडर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। एवरी इंडियन इज प्राउड दैट द ब्रेव विंग कमांडर अभिनंदन बिलोंग्स टू तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के 4 जवान शहीद हो गए। एनकाउंटर कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में हुआ। शहीद होने वालों में CRPF के एक इंस्पेक्टर, एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान हैं। इस एनकाउंटर में 8 जवान घायल भी हुए हैं। एनकाउंटर में एक नागरिक की मौत भी हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जैश के 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर एक तलाशी अभियान के दौरान शुरू हुआ। एनकाउंटर अब भी जारी है। पुलवामा हमले पर सवाल उठाने और पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई को सियासी एजेंडा बताने वाले विपक्ष पर पीएम मोदी ने आज विशाखापट्टनम की रैली में बड़ा पलटवार किया। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान से जवाब मांग रही है, तब हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके कारण पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनकी तारीफ की जा रही है। इससे पहले पीएम ने कन्याकुमारी की रैली में आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने 26/11 के हमले के बाद सेना को पाकिस्तान से बदला लेने की इजाजत नहीं दी थी। एयरफोर्स वांटेड टू डू सर्जिकल स्ट्राइक आफ्टर 26/11 बट UPA ब्लॉक्ड इट। बट व्हेन उरी हैपेंड यू सॉ व्हाट आवर ब्रेव सोल्जर्स डिड। पुलवामा हैपेंड And you saw what our brave air warriors did. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उसके विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने भारत के विपक्षी दलों की बैठक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान का हवाला देकर पुलवामा के बदले को पीएम मोदी का सियासी एजेंडा बताया था। जम्मू कश्मीर के बडगांव में MI-17 हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ वशिष्ठ का पूरे सैन्य सम्मान के साथ चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ की पत्नी स्क्वाड्रन लीडर आरती ने अंतिम संस्कार से पहले वर्दी पहनकर पति को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। सिद्धार्थ वशिष्ठ 2010 में वायुसेना में शामिल हुए थे। उन्हें केरल में आई बाढ़ में सराहनीय भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था। इसी हादसे में शहीद हुए MI-17 के पायलट निनाड मडोगने का नासिक में और को पायलट विशाल पांडे का वाराणसी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। झज्जर में एयरफोर्स के शहीद सार्जेंट विक्रांत सहरावत की अंतिम यात्रा में भी भारी जनसैलाब उमड़ा। बुधवार को हुए इस हादसे में 6 वायुसेना कर्मी शहीद हुए थे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर पर दोनों देशों में 14 मार्च को बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के अफसरों का प्रतिनिधि मंडल तय वक्त पर ही भारत आएगा। कॉरिडोर का करीब 40% काम हो चुका है। दोनों देशों के बीच कॉरिडोर के क्रॉसिंग प्वाइंट और चेक पोस्ट पर मुख्य चर्चा होनी है। भारत और पाकिस्तान ने नवम्बर 2018 में करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी थी और दोनों तरफ इसका शिलान्यास किया गया था। करतारपुर कॉरिडोर सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां गुरु नानक देव ने जीवन के अंतिम 18 साल बिताए थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव तय वक्त पर ही होंगे। आयोग ने आज बताया कि जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और समावेशी निर्वाचन के लिए संकल्पबद्ध है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्याशियों को अब 1 साल की आय के बजाय 5 साल की आय का ब्यौरा देना होगा। ईवीएम पर विपक्ष के सवालों पर आयोग ने कहा कि ईवीएम को फुटबॉल बना दिया गया है और चुनाव हारने पर सवाल उठाए जाते हैं। आयोग ने साफ किया कि देश अब बैलेट पेपर के युग में वापस नहीं जाएगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर पाबंदी का विरोध किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है,
केंद्र सरकार जमात इस्लामी से इतना घबराई क्यों है, जबकि कई कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को देश में गड़बड़ी फैलाने और माहौल बिगाड़ने की खुली छूट दी जाती है। लेकिन जो संगठन कश्मीरियों के लिए मेहनत कर रहा है उस पर बैन लगाया जा रहा है, क्या बीजेपी का विरोध अब देश का विरोध हो गया है? केंद्र सरकार ने कल ही कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। जमात इस्लामी पर कट्टरपंथियों और आतंकियों की मदद का आरोप है।